अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक हो गया आप सबके अंदर व्लॉग के अंदर। और यार बहुत टाइम के बाद व्लॉग बन रहा है और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाना है इसको। जैसा भी बनेगा इंशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश करेंगे, एनर्जेटिक बनाएं और अच्छा मजेदार एंटरटेन भी करें साथ साथ आपको। और सबसे पहले तो आप ये चेक करो यार, नए नए सोफे आए हैं, पूरा नया जो है ना घर हमने नया नया लेवल बना दिया, जरा ड्राइंग रूम को पूरा सेट किया है। ये यार वो एरिया जहाँ से मतलब कि ना दीवार नहीं, हमारा टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम को मिलाने वाली जो बीच में दीवार होती है वो नहीं बनी हुई। सो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से, इसको यहाँ से हमने कवर किया है, पर्दे लगाकर ज़रा डेकोरेट किया। ये नए नए सोफे आए हैं, चेक कर सकते हो आप, क्या मज़ेदार सा जो है ना ड्राइंग रूम बन गया। तो ये सब चीज़ों में भी लगे हुए थे दो तीन दिन से, इसको ज़रा सेट किया है। अभी पेंट शेंट भी होना है बाहर, तो ज़रा घर को सुथरा सुथरा कर रहे हैं। और उसके बाद आज है जुमा और एक दोस्त की तरफ से दावत भी है, तो उधर भी जाएंगे, जुमा भी पढ़ना है। अभी ज़रा कपड़े शपड़े भी चेंज करते हैं और जुमे पे मेन जुमा है, उसके बाद जाना है अपने दोस्त के घर। उसके घर है दावत, उन्होंने घर चेंज किया तो वो उस चीज़ के लिए दावत कर रहे हैं। मिलाद भी है और दावत भी है, तो सारा कुछ इंशाल्लाह इस ब्लॉग में आने वाला है। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, सब्सक्राइब करो, जो भी वीडियो को देखता है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो, जो कर सकते हो करो यार, सब्सक्राइबर चाहिए जल्दी जल्दी। और मिलते हैं आपसे बाद में। हो गया हूँ मैं रेडी शेडी, ये देख सकते हो आप, नमाज़ के लिए बिल्कुल हो गया रेडी। और हमारे जो कॉलोनी की मस्जिद थी वहाँ नमाज़ हो चुकी है, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं खेलने भी गया हुआ था। तो अभी कॉलोनी से बाहर एक मस्जिद है, वहाँ पर चलते हैं नमाज पढ़ते हैं। साथ जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, अब निकल रहे हैं, टाइम बिल्कुल हो चुका है। हमारी जो मस्जिद की, जो हमारी कॉलोनी की मस्जिद है, वहाँ पर जुमा हो चुका था क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, खेलने भी गया हुआ था। ये अभी यूनिवर्सिटी से आया, तो अब जो है मस्जिद थोड़ी सी दूर है कॉलोनी से, उधर चलते हैं, वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो यार जुम्मा वगैरह हो गया है कंप्लीट, तो जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। और साथ साथ टाइम भी हो गया है, ऑलमोस्ट 3:45 हो रहे हैं, 4 बजे जो है हम लोगों ने दावत पे भी पहुंचना है। सारे दोस्तों को उसने इनवाइट किया हुआ है क्योंकि उन्होंने नया घर बनाया है, तो उस चीज़ की दावत हो रही है, तो वहाँ भी चलेंगे, शुगर मेला लगेगा। आप लोगों ने देखते रहना है व्लॉग को और लाइक कर दें चैनल को, सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट शेयर जो है वो कर दें जल्दी से। भाई सब आ गए हैं कुछ लोग हमारे घर, दो दो दोस्त आ चुके हैं और बाकी जो है वहाँ जाके मिलेंगे जिनके घर दावत है, बस उन दो को इनवाइट है, साथ में फहद है, साथ में मैं हूँ, आपके वहीं भी चलते हैं, वहाँ मिलते हैं। हैं हम उनके घर जिधर आना था दावत वगैरह पे, तो ये है उनका घर जो उन्होंने चेंज किया है, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। इन लोगों का घर है, ये वही हैं जो हमारे से बकरा वगैरह लेने जाते हैं, और वली जिन्हें जिनका मैंने एक बकरा मंडी का भी ब्लॉग बनाया था। ये सारे दोस्त वगैरह हम सब इकट्ठे हो चुके हैं और अभी जो है प्रोग्राम में लेट है, अभी वो वहाँ पर जो है ना खाना पीना अभी तैयार हो रहा है, वो देख रहे हैं आप। तो अभी सारा कुछ सेट वेट हो जाएगा तो फिर खाने पे भी मिलते हैं। खाना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और खामोशी के साथ हम खाना खाने लगे हैं। ऊंचा मैं बोल नहीं सकता, मौलवी हजरात भी लगे हुए यार, थोड़ा थोड़ा डालो, थोड़ा ही प्लेट मेरी भर ली है, ये हमारी प्लेट भर चुकी है। और ये जो है ना कैसे खाते हैं ये ऐसे, कैसे कैसे ये हम, ये हमें सबसे ज़्यादा खाने वाले लोग हैं। तो यार ये हालात हैं, सब खाकर चले गए हैं, सबके सब उठ गए हैं, लेकिन ये पार्टियां देख लो ये अभी तक लगी हुई हैं और ये हाल कर दिया है लोगों ने मुर्गे। अभी भी हम कस्टर्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, कस्टर्ड ख़त्म हो गया। और ये देख लो, ये देख लो आप, ये इसने अकेले ने कस्टर्ड उड़ाया पूरी की पूरी ट्रे। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरा इंटरव्यू करें, दो मैंने कस्टर्ड खा लिया सारा, ठीक हो गया, बैठे रह गए हैं, ठीक है, आप लोग के लिए नहीं आएगा। अब हमने जो और जो मंगवाया वो कौन लेके आएगा, मुझे नहीं पता कौन लेके आएगा। आपको कम खाना चाहिए था ना, ये हालात हो चुके हैं जी। ये भी हमने सेपरेटली मंगवाई, वो ख़त्म, वो सारा इन्होंने 3 बार बरतवाया और तीसरी बार आके जो है ना खाली हो, अभी भी वैसे का वैसे पड़ा, तीसरी बार किसी ने मुंह नहीं लगाया और कस्टर्ड वगैरह ख़त्म कर दिया। और अभी भी हम कस्टर्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत मज़े का बना हुआ। अहमद भाई फारिग हो चुके हैं आई थिंक,
भाई और कस्टर्ड आएगा तो खाएंगे, रिस्क नहीं छोड़ना चाहिए, और कस्टर्ड आएगा खाएंगे। लेकिन दोस्त इसमें काफी सारा पड़ा हुआ, चमची के जरिए खा सकते हैं। चमची के जरिए नहीं यार, हम और मंगवाएंगे, आपको पता है लगा हुआ हम नहीं खाते। सुनाए सुने यार, जुनेद जुनेद भाई आप नहीं आ रहे यार, जुनेद भाई ये कस्टर्ड हमारा और आ चुका है। जैन भाई को ख्याल, कोई खौफ खुदा करो यार, इधर भी डालो कुछ, इधर भी डालो कुछ, और खुद भी खौफ खुदा करो। जैन जुनेद भाई आ जाओ यार, आ जाओ यहाँ पे बैठ के हमारे साथ। जैन भाई बस कर दे, खुदा का खौफ करें कुछ। तो यार वापस आ गए हैं, आखिर मैंने फ्रेश वगैरह भी हो लिया है, और आज का दिन मैंने जो था वो इसके अंदर कवर करने की पूरी कोशिश की है, जो चीज़ें मैं कवर कर सकता था। और आपने बहुत सारा सपोर्ट दिखाना है, इंशाल्लाह आपको व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत सारा सपोर्ट दिखाएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब लाजमी करना है चैनल को। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हाफिज़।